बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद सुहेल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुहेल भाई। अगर अभी तक मेरे चैनल सुहेल भाई को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी कर लो सब्सक्राइब। फिर आज की मज़ेदार वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो व्यूअर, आज सीन ये है कि आज कल जो बारिश हुई थी ना रात को और दोपहर में जो बारिश हुई थी, कल दोपहर में तूफ़ानी बारिश का बोला हुआ था न्यूज़ में, तो तूफ़ानी बारिश का बोला हुआ था कि तूफ़ानी बारिश होगी, लेकिन अल्लाह ने तूफ़ानी बारिश होने से बचाया। तूफ़ानी बारिश नहीं हुई, हल्की फुल्की बारिश हुई, इससे मतलब इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तूफ़ानी बारिश से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो आज मैंने तंदूर में लकड़ियाँ भी डाली हुई है, तो वैसे तो लकड़ियाँ डालते हैं रोज़, आज कुछ ज़्यादा करके डालिए क्योंकि मौसम ठंडा जब होता है ना तो तंदूर को लकड़ियाँ मतलब ज़्यादा चाहिए होती हैं, उसमें थोड़ा और ज़्यादा करके और डालिए। तो हाथ गर्म करने का सर्दियों में बहुत ही मज़ा आता है व्यूअर, ख़ास तौर पर सर्दियों में बैठ के हाथ गर्म करना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो इस तरफ सामने झंडे भी लहरा रहे हैं जमात इस्लामी के, क्योंकि जब कल रात को अभी बारिश जैसी ख़त्म हुई थी तो अभी सर्दी काफ़ी बढ़ चुकी है ना, तो सामने मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि झंडे लहरा रहे हैं ना जमात इस्लामी के। हवा इतनी ठंडी थी तो ये देख सकते हैं, मैं जैकेट भी पहन के आया, सामने जैकेट खड़ा हुआ है, आपको रुमाल नज़र आ रहा है वो वाइट कलर में, तो ये भी मैं पहन सर पे लपेट के जो है ना मुँह पे लपेट के ये आया, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा थी ना तो मेरा गला भी ठीक नहीं है, तो उस वजह से मैंने कहा सर्दी भी है और गला भी ठीक नहीं है तो ये लपेट के आया, तो ये जैकेट वगैरह भी पहन के आई। तो अभी जिस व्यूअर को भी हाथ गर्म करना है तो मेरे साथ आके हाथ गर्म कर सकते हैं, तो सर्दियों का यार अलग ही मज़ा है हाथ गर्म करने का व्यूअर। तो व्यूअर सामने मैं आपको ये दिखा दूँ, ये देख सकते हैं माशाल्लाह से झंडे अभी भी लहरा रहे हैं, ये देखें ये जमात इस्लामी आपको नज़र आ रहा होगा। तो मौसम इतना अच्छा, वो उस जगह की मैं आपको ये खुदाई रात कल मतलब जैसी बारिश हुई थी ना तो कुछ लड़के जो है ना खुदाई कर रहे थे, बीच में ऐसे रास्ता बनाए गटर में पानी जाने का ना, तो वहाँ उस तरफ पानी सामने खड़ा था उस तरफ, ये देख सकते हैं अभी भी आपको पानी नज़र आ रहा होगा, उस तरफ पानी था तो उस वजह से उन्होंने खुदाई की, खुदाई करके ताकि पानी का रास्ता बने और पानी इस गटर में चला गया। अभी भी ये जगह आपको गीली नज़र आ रही होगी, देख सकते हैं व्यूअर। तो तंदूर भी माशाल्लाह से हमारा गर्म हो गया, घर से आटा वगैरह भी तैयार हो गया, अभी पराठे वगैरह तैयार करके पेड़े तैयार करके फिर कस्टमर्स का वेट करते हैं, उसके बाद जैसे ही जैसे आते जाएंगे तो वैसे वैसे मैं उनको तैयार करके लगा के देता रहूँगा। तो व्यूअर उम्मीद करता हूँ मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। और एक और बात, क्यों पिछले जो व्लॉग में जो बारिश हुई थी ना तो मैंने आपको दिखाया था कि पानी घुटनों तक था, तो उसमें जो है ना काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है, साथ में मेरा भी, क्योंकि जो बाइक दो तीन बार बाइक ख़राब हुई थी तो काफ़ी बार बाइक जो है ना जाके ख़राब हो गई तो बनवानी पड़ी, क्योंकि पानी में जिस टाइम इंजन होता है ना गाड़ी का तो वो इंजन पर जब अंदर पानी चला जाता है ना, जैसा कि साइड कवर से पानी चला गया था तो उस वजह से जो है ना करंट वगैरह का जो कड़ा होता है एक जैसा कि गुच्छा बना होता है तांबे के तारों से, मतलब जो गुच्छा अंदर बना होता है ना तो उसके अंदर जब पानी लग जाता है ना तो वो शॉर्ट हो जाता है या जल जाता है, क्योंकि इधर से गर्म हो रहा है तो ऊपर से पानी लग रहा होता है, तो उस वजह से कुछ मसला हो गया था, तो फिर वो मैंने सही करा दिया था। तो इस बार अल्लाह ने बचाया तूफ़ानी बारिश से, क्योंकि जब तूफ़ानी बारिश होती है तो पानी आपको पता है बहुत ज़्यादा होता है, तो इस बार अल्लाह ने रहम किया तो इतनी बारिश नहीं हुई। आप सब भी बार भी दुआ किया करें कि जब इस तरह की न्यूज़ सुना करें ना तो फिर दुआएं किया करें, तो इस बार भी काफ़ी लोगों ने दुआएं की तो अल्लाह ने तूफ़ानी बारिश से बचाया। उम्मीद करता हूँ मेरा आज के व्लॉग आपको अच्छा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, पाकिस्तान जिंदाबाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।